वेलकम बैक फ्रेंड्स, आई एम मुकेश। टुडे आई एम गोना टीच यू सम इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस अबाउट होली, बिकॉज यस्टरडे आई मेड अ वीडियो देन यू लाइक्ड अ लोड्स। ओके, दैट्स व्हाई टुडे आई एम गोइंग टू मेक अनदर वीडियो अबाउट होली। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। आइए आज हम लोग ऐसे ऐसे सेंटेंस पढ़ेंगे जिनके जो आप होली में यूज कर सकते हैं और होली में यूज करके आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, वो कौन कौन से सेंटेंसेस है उसको जान लेते हैं। आज होली है, बुरा ना मानो होली है, उसे पकड़ो, पकड़ो कोने में उसे पढ़ो और धरो और रंग लगाओ, इस तरह का सेंटेंस। उसके ऊपर एक बाल्टी पानी डालो, ठीक है। मुझे तुम्हारे गाल पर रंग लगाने दो, मुझे तुम्हारे गाल पर रंग लगाने दो, तुम्हें उसे रंग लगाने का अनुमति मिल गया। वाह, तुम्हें उसे रंग लगाने का अनुमति मिल गया, अब तुम उसको रंग लगा सकते हो। नेक्स्ट है, पिचकारी में पानी भरो, पिचकारी में रंग भरो, ठीक है, इस तरह का सेंटेंस। उसके बाद उस पर वाटर पम्प फेंको, मतलब पानी का जो गुब्बारा होता है उसके ऊपर फेंको, तो इस तरह का हो गया। और नेक्स्ट सेंटेंस है, कीचड़ गोबर बालू जो मिले उसके ऊपर डालो, डालो उसके ऊपर में। नेक्स्ट है, मुझे तुम्हारे साथ होली खेलने का मन कर रहा है, मुझे तुम्हारे साथ होली खेलने का मन कर रहा है, चलो एक दूसरे को रंग लगाए, चलो एक दूसरे को गुलाल लगाए। इसका इंग्लिश किस तरह से होगा, धरो से धरो, धरो और पकड़ उसको, पटक पटक और कीचड़ डाल उसमें। नेक्स्ट, उसके मुंह में रंग लगाओ उसके मुंह में। नेक्स्ट है, तुम मुझसे बच नहीं पाओगे, तुम मुझसे बच नहीं सकते, आज मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुमको रंग लगा के ही रहूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, चाहे कुछ भी हो जाए, आकाश पाताल एक हो जाए, आज मैं तुमको रंग लगा के ही रहूंगा, आज मैं तुमको जरूर रंग लगाऊंगा। तो इस तरह का सेंटेंस किस तरह से ट्रांसलेशन करेंगे, इसका इंग्लिश क्या होगा, आइए एक एक करके जान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, आज होली है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू विश यू अ ग्रेट होली टू ऑल ऑफ यू एंड स्प्लेंडिड होली टू ऑल ऑफ यू। तो आज होली है, इट्स होली टूडे, इट्स होली टूडे, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने यहाँ पर लिखा इट्स होली टूडे। नेक्स्ट सेंटेंस जान लेते हैं, बुरा ना मानो होली है, डोंट माइंड इट्स होली, डोंट माइंड इट्स होली, डोंट माइंड इट्स होली। प्रोनंसिएशन भी क्लियर करते जाइएगा और मेरी आवाज़ को सुनिएगा, ठीक है, डोंट माइंड इट्स होली, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे पकड़ो कोने में, पकड़ो 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 और उसे रंग लगाओ, तो बोलेंगे उसको ग्रैब हिम, ग्रैब हिम, G-R-A-B, grab him and put the color powder on him। यदि लड़की रहे तो अगर उसको बोलेंगे grab her and put the color powder on her, तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। कॉर्नर में तो grab her on the corner and put the color on him, ठीक है, इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। एक बाल्टी पानी उस पर डालो, मतलब एक बाल्टी पानी डालो उस पर, तो बोलेंगे Put a bucket of water on her. Put a bucket of water on her. यदि लड़का रहे तो put a bucket of water on him. ठीक है, इस तरह से मैं तुम्हारे ऊपर एक बाटल पानी डालूंगा, I will put a bucket of water on you. ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, तुम्हें उसे रंग लगाने का अनुमति मिल गया। यहाँ पर फ्रेंड्स क्या, अनुमति मिलना, अनुमति मिलना को बोलते हैं ग्रीन लाइट। ये फ्रेजल वर्ब है, एक फ्रेज होता है जो बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है, ग्रीन लाइट मतलब होता है अनुमति मिलना, ठीक है। तो इसको बोलेंगे यू हैव गॉट ग्रीन लाइट, यू हैव गॉट ग्रीन लाइट टू अप्लाई द कलर ऑन हर, तुम्हें उसको उस पर रंग लगाने का अनुमति मिल गया। वाओ, यू हैव गॉट ग्रीन लाइट टू अप्लाई द कलर ऑन हर। नेक्स्ट ट्रांसलेशन को देख लेते हैं, पिचकारी में पानी भरो, फिल द वाटर गन। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, उस पर वाटर बॉम्ब फेंको, उस पर ये वाला बॉम्ब नहीं है जो कि फेंके थे उड़ गया, ठीक है, ये वो वाला बॉम्ब हुआ, पानी के गुब्बारे जो होता है भर भर के जो मिलते हैं उसको मारते हैं किसी के ऊपर में। अब मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, आप मतलब किसी को पानी के वाटर बॉम्ब जो है नहीं मारिए, इससे क्या होगा कि अगर आंख में लग जाएगा तो आंख वगैरह खराब होने का डर होता है, इसीलिए इसका यूज नहीं किया कीजिए फ्रेंड, ठीक है। लेकिन उसको अगर बोलेंगे उस पर वाटर बम फेंको तो क्या बोलेंगे, थ्रो द वाटर बम ऑन हिम। यदि लड़की रहेगी तो थ्रो द वाटर बम ऑन हर। नेक्स्ट ट्रांसलेशन को जरूरत है, कीचड़ गोबर बालू जो मिले उसके ऊपर डालो, तो बोलेंगे अप्लाई मड Dung and sand on her. Apply mud, dung and sand on her. यदि लड़का रहेगा तो put the mud,
sand and dung on him. तो यहाँ पर बोलते हैं कीचड़, कीचड़ को बोलते हैं mud, M-U-D, mud. गोबर को बोलते हैं dung, D-U-N-G, dung. और बालू को बोलते हैं S-A-N-D, sand. ठीक है? Whatever you get, apply on her. जो भी आपको मिले उस पर लगा दो बस. Next. मुझे तुम्हारे साथ होली खेलने का मन कर रहा है. वाओ, कितना मजेदार सेंटेंस है. आई फील लाइक प्लेइंग होली विद यू. आई फील लाइक प्लेइंग होली विद यू. आई फील लाइक प्लेइंग होली विद यू. ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आप समझ रहे होंगे. नेक्स्ट सेंटेंस है, चलो एक दूसरे को गुलाल लगाए. चलो एक दूसरे को गुलाल लगाए. तो बोले लेट्स अप्लाई द कलर पाउडर ईच अदर. अगर रंग लगाओ, चलो एक दूसरे को रंग लगाए तो क्या होगा? लेट्स अप्लाई द कलर ईच अदर. लेट्स अप्लाई द कलर ईच अदर. धर उसे, धर धर, ग्रैब हिम, ग्रैब हिम, ग्रैब हिम. लड़की रहेगा तो ग्रैब हर, ग्रैब हर, ग्रैब हर. धर धर धर, ग्रैब हर. नेक्स्ट, उसके मुंह में रंग लगाओ. उसके मुंह में रंग लगाओ. तो अप्लाई द कलर पाउडर ऑन हिम. अप्लाई द कलर पाउडर ऑन हिम. यदि लड़की रहे तो अप्लाई द कलर पाउडर ऑन हर. अप्लाई द कलर पाउडर ऑन हर. नेक्स्ट ट्रांसलेशन देख लेते हैं क्या है. तुम मुझसे बच नहीं पाओगे. तुम मुझसे बच नहीं सकते. तुम मुझे बच नहीं पाओगे. तुम कहाँ भी जाओगे, जहाँ भी जाओगे, मैं तुमको कलर जरूर लगाऊंगा. यू कॉन्ट एस्केप फ्रॉम मी. यू कॉन्ट एस्केप फ्रॉम मी. यू कॉन्ट एस्केप फ्रॉम मी. नेक्स्ट ट्रांसलेशन देख लेते हैं. चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुमको आज जरूर रंग लगाऊंगा. कम वोट मी. ये जो फ्रेज है फ्रेंड, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, बोलते हैं कम वोट मी. कम वोट मी. मैं तुमको रंग जरूर लगाऊंगा. आई विल अप्लाई द कलर पाउडर ऑन यू. आई विल अप्लाई द कलर पाउडर ऑन यू. आई विल डेफिनेटली अप्लाई द कलर पाउडर ऑन यू. ओके फ्रेंड, ये रहा आज का 15 इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस अबाउट होली. इफ यू, आई होप आपको ये सेंटेंस पसंद आए होंगे. यदि आपको ये सारे सेंटेंस पसंद आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्रिप्शन बटन पर एक बेल आइकन होगा उसको भी क्लिक कर ले, और एक छोटा सा लाइक भी कर दे, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो और भी बनाता रहूं. थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स.